नमस्कार जी, मैं हूँ मलविंदर फ्रॉम नेचर गार्डन। और आज मैं आपके साथ जो अपने फ्लावर हैं रोज़ फ्लावर, उनका वीडियो शेयर करूँगी कि कौन कौन से मेरे रोज़ेस हैं, कौन कौन से कलर्स हैं इनमें। तो देसी रोज़ का मैंने वीडियो है आगे आपके साथ उसका केयर का शेयर किया हुआ है। तो आज मैं अपने रोज़ेस जो मेरे इंग्लिश रोज़ हैं वो खिलते हुए वीडियो के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है मेरा क्रीम वाला वाइट रोज़ क्रीम, थोड़ा सा पीच कलर में पड़ जाता है ये, तो काफ़ी अच्छे से इसका जो है साइज़ भी रहता है फ्लावर का। और ये हमेशा ही खिलते रहते हैं रोज़ मेरे, और लो मेंटेनेंस रोज़ प्लांट होते हैं और इसकी कोई केयर नहीं है। तो अगर आप इसे लगाओगे तो अच्छे कलर्स में ये हैं होते हैं फूल इनके। और अब विंटर का सीज़न है तो देखिए आप कितना अच्छे से ये इसका साइज़ है वो बना हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे शुरुआती में मैं आपके साथ इनके पहले कलर शेयर कर देती हूँ। ये है मेरा क्रीम वाला रोज़, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते रहते हैं। और जो क्रीम वाला रोज़ है इस तरह से बंच आते हैं इसके, तो उसमें ये चार पांच फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं, तो काफ़ी अच्छे से ये पूरा बंच बन जाता है इसका। तो इस तरीके से ये रोज़ जो है क्रीम वाले खिलते रहते हैं, और काफ़ी क्वांटिटी में ये वाला क्रीम रोज़ है जो फ्लावरिंग देता है मुझे। और जब फ्लावर आपका स्टेंट हो जाए तो आप इस तरह से इस जो रोज़ बने होते हैं उनको आप हटा दीजिएगा, तो आपके रोज़ हैं वो अच्छे अच्छे से खिलते रहेंगे। तो इसकी केयर में हमने लेना है सोयल वेंटेन, जिसमें वन पार्ट गार्डन सोयल और वन पार्ट लेना है हमने सैंड और कंपोस्ट वन पार्ट, और कोकोपीट लें या फिर लीव्स की खाद होती है वो ले सकते हैं आप। तो वाटरिंग हमें तभी देनी है इसकी जब आपको लगे कि अब इसकी जो सॉइल है ड्राई हो रही है, तभी हमने इसे वाटर देना है। तो रिक्वायरमेंट देखते हुए ही हमने इसको जो है पानी देना है। तो ये देसी रोज़ है, देसी रोज़ के भी काफ़ी अच्छे से जो है सर्दियों में साइज़ जो बढ़ जाता है, और ये हमेशा ही गर्मियों में बहुत सारे इसके जो हैं फ्लावर खिलते रहते हैं। और इसका जो धूप में रखना होता है हमें इसे, अब विंटर में तो फुल सनलाइट में रखती हूँ मैं, और जब गर्मियाँ होती हैं तो थोड़ा मैं इसे शेड में रख देती हूँ जहाँ 3-4 घंटे की धूप भी लगे और मॉर्निंग की, और उसके बाद इसे छांव भी मिले, तो वहाँ पे मैं इसे प्लेस करती हूँ। और इसका आप साइज़ देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा इसका कलर भी है। और ये रोज़ फ्लावर 3-4 दिन बना रहता है और बड़े अच्छे से खिलते हैं ये फ्लावर। और फर्टिलाइज़र में इसे देना है मस्टर्ड के का मैं ही देती हूँ लिक्विड फॉर्म में, और उसमें मैंने नीम खली थोड़ी मिक्स करके वो मैं 2-4 दिन इसे डिसॉल्व कर देती हूँ, उसके बाद जो है लिक्विड बनता है मैं वो देती हूँ इन्हें। और सीवीड के जो ग्रैन्यूल्स में आते हैं वो देती हूँ मैं, तो इससे ये फ्लावरिंग है मेरी अच्छे से होती रहती है और काफ़ी अच्छे इसके जो हैं फूल खिलते रहते हैं। और ये कलर देखिए, ये डबल शेडेड में है, और ये है मेरा सिंगल वाला ऑरेंज कलर में। तो ये देसी रोज़ का तो आप देखती हो कलर जो है, और कुछ है वाइट, और मिनिएचर वाला रोज़ है वो येलो कलर में मेरे पास खिले हुए हैं। और इसको जो शेड में रखें गर्मियों में, और अब जैसे मौसम विंटर का है तो आप फुल सनलाइट में भी इसे रख सकते हैं, और सॉइल देख के इसे पानी दें। और फर्टिलाइज है वो फैब और सितंबर में दीजिएगा, और सीवीड ग्रैन्यूल्स आप टाइम टू टाइम दे सकते हैं 1-1.5 महीने के बाद, तो इससे आपके जो फ्लावरिंग है वो होती रहेगी और न्यू इसकी जो और भी बर्ड्स बनते रहेंगे। तो ये था मेरा रोज़ के ऊपर वीडियो, और लगाइए इसे, ऐड करिएगा अपने गार्डन में, बहुत ही प्यारे इसके फूल खिलते रहते हैं और अच्छे से इसकी काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस भी होती है, तो आप लगाइए इसे। तो ये था मेरा वीडियो जी आपके साथ।
पसंद आए तो लाइक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो की एंड में आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मेरे हिबिस्किस के फ्लावर हैं, अभी भी खिल रहे हैं और बड़े अच्छे से ये अभी ब्लूम कर रहे हैं, तो लगाइए आप इसे भी। और फ्लावर काफ़ी अच्छे लगते हैं आपके गार्डन में, तो लगाइए आप इसे, बढ़ाइए और भी। तो वीडियो का जो एंड में मैंने आपको हिबिस्किस का दिखाया है वो ये देख सकते हैं कितना अच्छे से फ्लावर इसका खिला हुआ है। और ओके जी, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।